तो जैसा आप देख रहे हैं, यह है शाम का वक्त, बहुत ही मूसलाधार बारिश, ये दे सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के साथ मैं फिर आ गया हूँ, आपका अपना जिसान अली। और जो मेरा आज का ब्लॉग है, थोड़ा सा एक रोड साइड का होने जा रहा है, वो इसलिए होने जा रहा है क्योंकि यार जब मैं जा रहा था ना, वहाँ पे एक गाड़ी दिल्ली से आ रही थी, उसने एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी को टक्कर मारा, और अगर वो गाड़ी नहीं होती तो जो गाड़ी ने टक्कर मारी वो नीचे ही को चली जाती खाई में। तो उसका एक्सीडेंट का थोड़ा सा मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा और थोड़ा सा गाइड करूंगा कि आप पहाड़ों में गाड़ी चला लो, किस तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए। और थोड़ा सा एक घर से ही मैं व्यू दिखाने वाला हूँ क्योंकि आज मैं जहाँ गया था वहीं मुझे इतना लेट हो गया, अभी मैं तैयार हूँ। देखिए अभी जस्ट मैं घर में आया हूँ, तो सोचा मैंने घर से ही आपको व्लॉग दिखा देता हूँ। आज व्लॉग बनाने का बाजार का टाइम ही नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी, तो यहीं से चलिए मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ यूनिक कर रहा हूँ आज के व्लॉग में, मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। और थोड़ा सा एक झलक दिखाने वाला हूँ एक्सीडेंट की, किस तरीके से मतलब मारते हुए तो मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जब गाड़ी रुक गई, दोनों गाड़ियाँ रुक गई वहाँ पर, तब मैंने कैप्चर करा। तो चलिए अपना व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं आज के व्लॉग में। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया है। ये गाड़ी खड़ी हुई थी शायद, तो ये जो गाड़ी आ रही थी इसने इसको टक्कर मारी, तो इसका पीछे का आप देख सकते हैं कितना पूरा टूट चुका है वो। और कभी भी मतलब ये जो है ना, ये बाहर की गाड़ी है और ये शायद यहीं की है, इसका नंबर प्लेट शायद बाहर गई है, तो इसने इसको ठोक दिया है। और ये पूरा जो है उसका टायर जो पीछे बोल गया है, पूरा ख़त्म हो गया टायर। और ये जो इसमें सवारियाँ जा रही थी वो अभी रुकी हुई हैं, अब देखते हैं क्या होता है इसका, क्या मैटर होता है अभी। तो कभी भी आप आएँ तो इतनी तेज़ी में ना जाएं, आपको घर ही तो जाना है, और कहाँ जाना है आपको, तो सेफ्टी पहले है। और ये देख सकते हैं कि दो गाड़ियाँ और रुक चुकी हैं यहाँ पे, तो फ़िलहाल इस तरीके से यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है। आपस में यहाँ पर जाम भी लगना शुरू हो गया है कि गाड़ियाँ जो हैं, चार पांच गाड़ियाँ यहाँ पर रुक गई हैं ये। और जो ये बाहर के आते हैं ना टैक्सी वाला, ये नीली टी शर्ट पहन के जो खड़ा है, ये इसी ने ठोकी है ये। तो ये लोग अपने आपको इतना हाई फाई समझ लेते हैं कि ये सोचते हैं कि गाड़ी हमारे कंट्रोल में है, वो ये नहीं समझते कि मशीनरी है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है, हम सेफ्टी से चलें। ये लोग ये समझते हैं कि पैर में हमारे गियर क्लच सब कुछ है, तो हम पूरे सहनसा हो गए रोड के, और हम कहीं भी गाड़ी को, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ से स्लिप मारते हुए लाया ये गाड़ी, ये अभी रोड यहाँ पे है, स्लिप वो वहाँ पे मार रहा है गाड़ी का। तो ये देख सकते हो तो कितने बाहर से वो स्लिप मारते हुए इस गाड़ी में उसने मारी है टक्कर, और ये गाड़ी अभी अच्छा नीचे नहीं गई है, ये देख सकते हैं। और जो उसमें बैठे हुए वो दहशत में हो गए, उल्टी कर रहे हैं पीछे, तो ये देख सकते हो। वो देखो वही बात कर रहे कि वो नीचे को जाती है गाड़ी, इतनी तेज से टक्कर हुई थी कि हम ऊपर चाय पी रहे थे, हम चाय पीते पीते नीचे को आ गए, गाड़ी से बजी है। तो जैसा आप देख रहे हैं, यह है शाम का वक्त, और शाम के वक्त में जैसा मैं देख रहा हूँ नैनीताल के साथ, नैनीताल की लेक में काफ़ी बोट्स चल रही है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देख सकते हैं आप, जितनी ये लेक्स में देख रहे हैं सारी बोट्स चल रही हैं इस टाइम, और ये हो गया शाम का वक्त। इसका मतलब जो है टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, और टूरिस्ट बहुत आया हुआ है नैनीताल में, उतना तो नहीं आया है खैर कि नैनीताल से 8 किलोमीटर पहले ही रोक दे रहे हैं, तो लेकिन फिर भी नैनीताल में टूरिस्ट आया हुआ है। जैसा अभी देख रहे हैं लेक में कितनी सारी बोट्स चल रही हैं, और तकरीबन इस टाइम 5:30 बज रहे हैं, 5:30 से 6:45 बजे के आसपास का टाइम है। तो आप देख सकते हैं शाम को कितनी भीड़ है, और इस तरीके से नैनीताल का वेदर बना है। लेकिन सुबह बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी, तकरीबन 9:30 से या 10:30 बजे तक बहुत मूसलाधार बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी, और 11-12 बजे से फिर मौसम खुलने लग गया था। ये 12:30-1 बजे से धूप आनी शुरू हो गई थी, तो आप देख सकते हैं मौसम पूरा खुला हुआ है, और इस तरीके से वेदर बना हुआ है शाम का, और शाम को कुछ इस तरीके से नज़ारा देख सकते हैं अब ये और कोयल की आवाज़। और जैसा मैं देख रहा हूँ सामने इस टाइम फुटपाथ में अच्छी खासी भीड़ हो रही है, और वहाँ पर धूप भी आ रही है, नीचे यहाँ पर धूप भी आ रही है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से नज़ारा है, और फुल व्यू। और जहाँ से मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये अपने घर पे से ही कर रहा हूँ मैं, देख सकता हूँ अभी, और यहाँ पे फूल भी लगे हमारे, ये देख सकता हूँ। तो यहीं से मैं आपको ये व्लॉग अपने व्लॉग के माध्यम से दिखा रहा हूँ नैनीताल की वादियाँ, पहाड़, लेक और
वेदर मौसम देख सकते हैं आप, तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये। और कोयल की आवाज़ भी सुनने होंगे आप। तो काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है इस टाइम नैनीताल का। और बोट से मैं ना यहाँ से जब लेक में बोट से चलती तो उसी से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि नैनीताल में कितना पर्यटक है। तो अभी बहुत जैसा अभी जूम करके दिखाया मैंने कितनी बोट से चल लिया, आपने देखा खुद ही। तो कुछ इस तरीके से नैनीताल का वेदर और मौसम है। जैसा आप देख रहे हैं ये बैठी हैं बेड में, और आप देख सकते हैं कि आपने प्लेन से वो पंखे चला रखे हैं, कूलर चला रखे हैं, लेकिन ये मोहतरमा ने यहाँ पे ब्लोअर चला रखा है, ये देख सकता है। और इसके एक गर्माहट ले रही है क्योंकि मैं बता दूँ सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पे, और बारिश होने के बाद वेदर में काफ़ी ठंडा हो गया है। तो अभी भी लोगों के हीटर और ब्लोअर रखे नहीं गए हैं, वो अभी भी सेक रहे हैं। ब्लोअर चाहे ब्लोअर ले लो, हीटर ले लो। तो आप देख सकते हैं कि आप ताज्जुब में होंगे कि नैनीताल में अभी भी हीटर और ब्लोवर चल रहे हैं, और प्लेन्सों में जो है ठंडा पानी के लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं ठंडे चीज़ करने के, और यहाँ ठंड को भगाने के लिए ब्लोवर चला रहे हैं, देख सकते हैं। अब ये आवाज़ भी आपको आ रही होगी। और ना सुबह इतने बारिश हुई, इतने ओले पड़े कि इतना ठंडा हो गया नैनीताल में, इतनी मूसलाधार बारिश थी सुबह, बहुत ही मूसलाधार बारिश थी। तो देखिए वेदर में कितनी ठंडा है, और अभी भी मैंने जैकेट निकाल ली है। और आज कहीं गया हुआ था, तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ रोड के नीचे एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को ठोक दिया इतनी भयंकर, और मुझे व्लॉग बनाने का नैनीताल में टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ आपको अपडेट तो देनी है नैनीताल के बारे में, थोड़ा सा मैंने सोचा हमने होम व्लॉग दे दूँ, घर का व्लॉग दे दूँ। तो इस टाइम मैं घर पर आ गया था शाम को, तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा वो क्लिप ऐड करके नैनीताल से अपना व्यू दिखा के, घर से व्यू दिखा के। और थोड़ा सा ये दिलचस्प बात हुई मेरे संग कि प्लेन से लोग ठंडा पानी के लिए कूलर चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, पंखे चला रहे हैं, लेकिन यहाँ मोहतरमा ने ब्लोवर चला रखा है। जब मैंने आके देखा, और गर्मी की है, और इनको मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, ये कह रही है अभी सो के उठी हैं ये, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ इनको। तो चलिए ये था कुछ आज का मेरा व्लॉग इस तरीके का। तो कल फिर चलेंगे मार्केट की तरफ, कल दूंगा मैं। और वैसे मैं बता दूँ नैनीताल आज जो है बहुत टूरिस्ट आया है, शायद नैनीताल फुल है या नहीं है, लेकिन उसे जिस हिसाब से वो लोग नैनीताल में ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, उस हिसाब से नैनीताल फुल नहीं है, लेकिन टूरिस्ट बहुत है नैनीताल में, फुल नहीं है। फाइनली यहाँ पर जो है मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट कर लिया। आज का लोगों को पसंद है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप पहाड़ी रास्ते में टैक्सी से आ रहे हैं, या मतलब कहीं भी आप पहाड़ी मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, प्लेन्स के क्षेत्र से आ रहे हैं, शहर से आ रहे हैं, तो पहाड़ी आकर रोड में आप चला रहे तो गाड़ी सेफ्टी से चलाइए और आराम से चलिए, 40 की स्पीड में चलाइए। 40 की स्पीड में चलाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। और यही मेरा आज का व्लॉग था, होम व्लॉग, और जो थोड़ा सा मैंने अपडेट दिया आपको किस तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।